गार्ड अकबर खान हो? अगर तुम मुझे जानते हो तो फिर तुमने यहाँ आने की जरूरत क्यों की है? इसलिए कि आज तुम्हें हारना होगा, हम हीरा लेकर ही जाएंगे। पहले भी बहुत से चोरों ने यह कोशिश की है, लेकिन सबके हाथ मौत के सिवा कुछ नहीं आया। रास्ता तुमने सही इंतखाब किया है, लेकिन जिस हीरे तक तुम पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे सीने से रास्ता बनाकर गुजरना होगा। अकबर खान के होते हुए ना कोई चोर उस हीरे तक पहुंचेगा और ना पहुंच सका है। अगर तुम एक कदम भी महल के अंदर रखकर दिखाओ तो हीरा मैं खुद ब खुद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। Thank you.
साहब बुरी खबर है, हमारे भेजे हुए ये चोर भी अकबर खान की ताकत के सामने हार गए। पहले 38 और अब 2, पूरे 40 चोर और सबके सब एक अकबर खान के सामने हार गए, मुसलसल हार गए। इस हार के बाद क्या मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये सोच लेना चाहिए कि हम ये हीरा नहीं चुरा सकेंगे, अब हमें कोई और धंधा करना चाहिए। नहीं कोहिनूर साहब, आप अब इस कीमती हीरे को हासिल कर सकते हैं। कैसे? मैं दो ऐसे चोरों को जानता हूँ जिनको आप इंसान का दिल भी चुराने का कहेंगे तो वो इस तरह उस इंसान का दिल चुराएंगे कि खुद उसको भी पता नहीं चलेगा। किसी इंसान का दिल चुराना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वालों का नाम ब्लू बर्ड और अफलातून है। कहाँ होते हैं? मनीला में। कदरदान है, आपसे एक सौदा करना चाहते हैं। पहली फुर्सत में मिलिए कोहिनूर। अफलातून ब्लूबर्ड कोहिनूर।
मुख्तसर होगी। मुझे ये करोड़ों का डायमंड चाहिए। कहाँ है? मलीला के एक अरबपति के घर में। चोरी की कीमत क्या होगी? जौहरी हूं, चोरी की कीमत कम नहीं लगाऊंगा। 10-10 लाख। डन डन। अब असल बात सुनो, ये चोरी इतनी मामूली और आसान नहीं। ये हीरा एक सेफ में जरूर है, लेकिन उस सेफ का रास्ता चीफ गार्ड अकबर खान के दिल से होकर जाता है, और उस रास्ते से आज तक कोई नहीं गुजर सका। अकबर खान जैसे गैर मामूली आदमी की मौजूदगी में इस हीरे को चुराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लिहाजा हमने एक प्लान बनाया है, अगर वो तुम लोगों को सूट करे तो। हमने पता किया है, अकबर खान की पाकिस्तान में एक बीवी और एक बच्ची है, और उनकी देखभाल करने वाला एक खुददार दोस्त रहमान भी है। तुम रहमान को बेसाखी बनाकर उस रास्ते से बासानी गुजर सकते हो। रहमान करता क्या है? है तो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन अक्सर मुक्केबाजों के अखाड़े में मिलता है।
आपके तो पहले भी हम पर इतनी एहसान है, जिनके एहसानों का बदला हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। एहसान किस बात का बहन, दरअसल तुम, ये घर, ये बच्ची, सब अमानत है उसकी मेरे पास, और इनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, खत आया उसका? जी आया था। क्या लिखा है? वही लिखा है, उसने लिखा है कि रहमान से कह दो मनीला आ जाए, यहाँ उसके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ, दिल तो मेरा भी तड़पता है उस बेईमान से मिलने को, लेकिन क्या करूं, सोचता हूं कि यहां भी तो किसी को होना चाहिए। अच्छा भाई, अरे तू घर की बात करती है, मैं तो तुझे भी उठा लूं। क्या करते हैं, छोड़े ना, बच्चे देख रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चे भी तो मेरे ही हैं। अच्छा ये लो, ये है आज के मेरे पसीने की कमाई, यानी टैक्सी चलाकर, और ये है, ये ज्यादा ही पैसे हैं, इसलिए कि ये खून की कमाई है ना, यानी मुक्केबाजी की। तुम ये बात नहीं आओगे मुक्केबाजी से? कैसे बाज आ सकता हूँ मरियम, नहीं बाज आ सकता, इसलिए कि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी तो संवारना है। अरे अपने चांद को प्यार तो कर लू। देखो बेटे, इस चांद की तरह दुनिया के अंधेरों में रोशन होना है तुम्हें। अभी चांद है तो मैं क्या? तू अच्छा इधर तो आ, सामने आओ। अरे पहले तू ये अंधेरा तो दूर कर अपना, पजामा कहाँ है? अच्छा सुन, ये चांद है, तू इसकी रोशनी, कैसा है? अच्छा कल स्कूल है या छुट्टी है? छुट्टी है। छुट्टी है ना जी, क्या ख्याल है, चले चले कल पिकनिक पर चलेंगे। चोट तो नहीं आई आपको? गलती भी आप ही की थी ना? आप ये गुंडे मुझे अगवा करके मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं, मुझे इनसे बचा लो। आप सर पर दुपट्टा रखकर एक तरफ हो जाइए, इनकी खबर मैं लेता हूं। बुरा जमाना आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना आते तो न जाने हमारा क्या हाल होता। बहरहाल आप आए, जान बच गई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का भैया, जिस लड़की को बचाने के लिए आपने जान की बाजी लगा दी वो हमारी बहन है। अच्छा अच्छा, अरे फिर आपकी बहन हमारी बहन हुई ना। इस इत्तफाकिया मुलाकात ने हमें इतना करीब कर दिया है कि आज शाम की चाय आप हमारे साथ हमारे घर पे पिएंगे। बिल्कुल ठीक, वादा वादा, जरूर आइए। घर तो देखा है ना आपने, पता कर लेंगे। 53C2। खुदा हाफिज़। अच्छा आदमी था। खुदा हाफिज़, आना ना भूलिएगा। जरूर।
शुक्रिया। अगर छह बहन के घर का खाना भाइयों पर नामुनासिब है, चूंकि हमने खा लिया है, तो बहन को भी भाई का ये तोहफा कबूल करना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ये तो बहुत कीमती नेकलेस है भैया। अरे बाबा, बहन बनी हो तो कीमत को छोड़ो, भाई के जज्बात को देखो। लीजिए ना भाई साहब, खाइए। ये खातून कौन है? ये तो हमारी बहन बनी हुई है। इनके शोहर मनीला में एक बहुत बड़े ताजर के महल में चीफ गार्ड है। पूरा एक बरस हो गया है उस कमबख्त को गए हुए। अरे अपने मियाँ को याद कर करके दिन रात रोती है ये। वो बेईमान मुझे भी बहुत याद आता है, मेरा जान जिगर है, दोस्त है वो मेरा। अरे हम दोनों तो जापान जा ही रहे हैं, रास्ते में मनीला उतर जाएंगे। आप अपने दोस्त से मिल लेना, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अरे अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बात पर आप। लेकिन भाई साहब, दरअसल बात यह है कि मैं तो लेकिन लेकिन क्या, अगर बात पैसों की है तो फिर लानत है हमारी दोस्ती पर। क्यों भाई साहब, पैसे वैसे का प्रभाव मत करें भाई साहब, नो प्रॉब्लम। कैसा है तू? तू सुना, घर में सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। ये तू अचानक कैसे आ गया? सिर्फ दो दिन के लिए आया हूँ, तुम्हें तो छुट्टी मिलती ही नहीं, सोचा तुमसे मिलने मैं खुद ही चला हूं। और मुझे यहाँ तक लाने का सेहरा इनके सर है। ये है फ्लातून और ये है ब्लू बर्ड। चंद दिन की दोस्ती में ये हमारी दोस्ती के प्यार में बराबर के शरीक बन गए। आप तो मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। इस महल में आज रात मेरे मालिक की शादी की सालगिरह है, बहसियत मेरे मेहमान तुम लोग भी शरीक होना चाहो तो मजा रहेगा। ऑफ कोर्स, हाँ जरूर जरूर, क्यों शरीक नहीं होंगे। Thank you.
सेवा ये तो नहीं होता। हम दोस्त नहीं आस्तीन के सांप है अकबर खान। रहमान की आस्तीन में छुप कर आए थे और अब तुम्हें डस कर वापस जा रहे हैं। तुम्हें रहमान की वजह से दोस्त कहा था। जबान की दाज रखते हुए तुम्हें वापस भी जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ वापस करना होगा। हीरा वापस कर दो। हीरा इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए चट्टानों का सीना चीरना पड़ता है, ताकत और जुर्रत दिखानी पड़ती। मेरी ताकत और मेरी जुर्रत को मत ललकारो। जबान से निकलने वाले लफ्ज दोस्त को दुश्मनी के लफ्ज में बदलने से पहले हीरा मुझे दे दो और मनीला छोड़ दो। अबे मनीला छुड़ाने वाले, अपने हाथों की लकीरों को देखो, तुम्हारा दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया है।
थे रहमान, वो हीरा चुराने आए थे। तुम उनसे वो हीरा छीन कर मेरे मालिक तक पहुंचा देना, मेरे मालिक तक पहुंचा देना। Thank you.
मुझे माफ कर देना। तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं पायलट नहीं बन सका, लेकिन तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं नहीं, जमशेद तो बनेगा ना पायलट। मेरे खून और पसीने की कमाई सब उसी के लिए। आखिर वो भी तो तेरा बेटा है ना। वाकई इनकी तो मदद करनी चाहिए। अगर किसी ने हमारा बेबी लोग को हाथ लगाया तो हम उसका लेग तोड़ देगा। फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं। बच्चे का बच्चा बतलाइए मां, चिपला भटकाने वाला नहीं तो और क्या है? देख भाई, मैं तुझे बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक पायलट बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तू जहाज उड़ाने के बजाय सारी जिंदगी पता नहीं उड़ाएगा। कैसी बात नहीं कर रहे हो भैया, मां की आस और बाबा की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मैं पायलट बनूंगा और जरूर बनूंगा। अरे हाँ माँ जी, नसीन बहन कहाँ है? वो कॉलेज गई है। अच्छा, बस फैसल अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? कॉलेज से छुट्टी का वक्त हो गया है। चलो मैं तुम्हें अपनी कार पे छोड़ा। मैं गरीब भाइयों की बहन हूँ, तुम्हारी कार में लोग मुझे देखकर शक करेंगे। बाबा जब शादी करनी है तो फिर बदनामी का क्या डर? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे मुतालिक अपने डैडी से बात की। सच? सच। हेलो ऑल डैड, आई एम फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ओ यस, कैसा चल रहा है तुम्हारा रोमांस? बहुत मजा आ रहा है, बहुत जोरों पर चल रहा है ईमान से।
शाबाश, खूब एंजॉय करो। जो जवानी में जवानी को एंजॉय नहीं करता, वो बुढ़ापे में जवानी को याद करके बहुत रोता है। तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं, रुपया है, नाम है, मकाम है तुम्हारे पास। अरे जवानी एक पल भी जाया मत करो माय सन। प्यार के फल की खुशबू सिर्फ सूंघो ही नहीं, फल खाओ भी। ओ डैड, क्या याद दिला दिया आपने। अरे इतनी खूबसूरत है कि एक बार देख लो तो। ये बड़ी बड़ी स्याह आंखें, स्याह जुल्फे। डैड बस क्या याद दिला दिया आपने, मुझे बड़ी याद आ रही है। भाई खा लो। नहीं खाना। नाराज हो? हाँ नाराज हूँ। बहन को छींक आ जाए तो हमारी जान पे बन जाती। और एक ये बहन है जिसे ये भी नहीं पता कि भाई अस्पताल के बेड पर लेटा रो रो कर अपनी बहन को याद कर रहा है। बस भी करो भैया, वरना मैं भी रो दूंगी। दादा रोने रोने की कोई बात नहीं होगी। और एक तो पगली, तुझे आंसू बहाने के लिए बस बहाना चाहिए। और ये हमारे छोटे भाई है, इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारी बहन की आंख से एक आंसू बहता है तो हमारा दिल खून के आंसू रोने लगता है। बस बस रहने दो भैया, तूने इसका दिमाग खराब कर रखा है। हाँ हाँ, अब ये भी कह दे कि तेरा दिमाग भी खराब करने वाला मैं ही हूँ। मेरा? हाँ। पहले तो तू बड़ा नाराज हो रहा था, देखती हूँ तेरी बहन को कुछ हो गया तो सबसे पहले तू ही पहुँचेगा। मेरी बहन को क्यों कुछ होगा? इसे क्यों कुछ होगा? ये तो मेरी जान है, मेरे कट्टो, मेरे गोलू गोलू है। मैं तो ऐसी दिल लगी कर रहा था इसके साथ। ले सेब खा। ये तेरे लिए, पहले तू खा। पहले तू खाएगी तो फिर मैं खाऊंगा मार चक्की। ले बा, दोनों बहन भाई का हुआ लफड़ा खत्म। और मैं चला ड्यूटी पर। भाई साहब, अरे ओ मैम साहब। मैं उसके लिए राज हूँ, एक नगमा हूँ मैं, दर्द का साज हूँ, प्यार की हूँ सदा दिल
बनती है बिगड़ी हुई प्यार से मान कहना मेरा तू ये जिद छोड़ दे मान कहना मेरा तू ये जिद छोड़ दे पास आ जा मेरे दिल से दिल जोड़ ले साथ दे जो सदा मैं वो हम राज हूँ साथ दे जो सदा मैं वो हम राज हूँ एक नगमा हूँ मैं दर्द का साज हूँ प्यार की हूँ सदा दिल की आवाज हूँ जो ना समझे मैं उसके लिए राज हूँ साथ दे जो सदा मैं वो हम राज हूँ इसमें हीरे का सेट और कुछ नकदी है मैं तो ये लौटाने आया था और यहां आके दिल में सोया हुआ फनकार जाग उठा और आप सब लोगों को बोर कर दिया अब ये क्या बोलते हैं फिर गाइए नहीं 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 जी बहुत हो गया ये पर्स जिन खातून का है मुझसे आके ले जाए ताकि मैं अपने धंधे पे जा सकूं ये पर्स मेरा है टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी पर मैं इसको 1,000 रुपया इनाम देती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया साहब इनाम वो है जो अपनी मेहनत और पसीने से कमाया जाए थैंक यू
बात बनती है बिगड़ी हुई। Excuse me. Can I have your auto, please? ऑटो? मेरा मतलब है आपकी दस्तखत। अरे मेम साहब, आप क्यों मजाक कर रही हैं? दस्तखत तो लोग आपके। नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। वाकई? प्लीज। अच्छा, क्या लिखूं मैं? कुछ भी लिख दीजिए। Lovely, beautiful, thank you. अरे ये मेम साहब, मेरा पता। शुक्रिया। किसको पता? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें झुका के रखिएगा जावेद। बता तेरे लिए क्या खुशखबरी लेकर आया। बतला, क्या तुझे तेरे बाबा का पता मिल गया? अरे बतला ना। नहीं माँ, बाबा का तो पता नहीं चला। हाँ, अलबत्ता बाबा की ख्वाहिश की पहली सीढ़ी पर कदम जरूर रखा है। माँ, आज मैंने पहली बार जहाज उड़ाया है। कभी माँ जी के सामने मेरी तारीफ न करना। अरे माँ जी, दुआ दो मुझको, लोग तो सीधा जहाज चलाना नहीं सीख पाते। अरे हम है हम, जिसने आपके बेटे को उल्टा जहाज चलाना सिखा दिया है। वक्त बेवक्त हर जगह कूद पड़ते हो, अभी कूदने का वक्त है। दफा। मेरा मतलब है, हाँ, अब तुम अपनी माँ के सामने हमारी बेइज्जती कराओगे। ठीक है, हमारा क्या है, हम तो जाते हैं नीली पत्ती का पीला पान खाने। सॉरी भाई, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप? क्यों, मैं तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठ सकती? क्यों नहीं, ये तो किराए की चीज है, जो चाहे बैठे बैठिए। ते फिर सानू भी ले चल नाल वे, बाहु सोनी गड्डी वालिया। कहाँ जाना है आपको? चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा न बंदे दी साथ होवे। ऐसा? आज तो आप बहुत रोमांटिक मूड में। जब से तुमने इन आंखों की तारीफ की है, ये आंखें सोते जागते सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखती हैं। मेरे ख्वाब? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें अब भी इन आंखों में मेरी तस्वीर नजर आएगी। Thank you.
जद पैंदी है। अखां नाल अखियां दी जफ्फी जद पैंदी है। मैनू तेरी चन्ना चन्ना होश तद रहिंदी है। अखां नाल अखियां दी जफ्फी जद पैंदी है। दूसरी टैक्सी पकड़े और चलती हुई नजर आए। उतरो नीचे, उतरो। अरे अरे अरे, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। बदतमीज। Yeah.
करो। शर्म नहीं आती तुझे? चल बैठ गाड़ी में। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे डैडी शाम को मनीला से वापस आ रहे हैं। आप उनसे मिलकर हमारी शादी की बात पक्की कर ले। नंबर तुम अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी आप? क्या पता तुम इस बात को भी माइंड कर जाओ। एनीवे दरवाजा तो मैंने खोल ही दिया है। यू वेलकम, बैठो। मैं आपसे बदतमीजी की माफी मांगने आया। बात कुछ यूं है कि जिन भाइयों की बहनें जवान हो ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? बात यह है जी, जिस वक्त आप मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी उस वक्त मेरी बहन एक लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। कौन था वो लड़का? मैं उसे मिला हूं, अच्छा लड़का है। कल हम उसे बात पक्की करने जा रहे हैं। अगर मेरा भाई मुझे तुम्हारे साथ देख लेता और बात पक्की करने चले जाता तो तुम क्या कहते? मैं कह देता कि मेरी टैक्सी में तो कोई भी बैठ सकता है। तुम्हारी सजा यही है कि जिस तरह तुमने अपनी बहन की बात पक्की करने का सोचा है उसी तरह इधर भी बात पक्की होगी। आप? हम इसका मदर है, हमने इसको पाला है। इसका माँ हमारा दोस्त था, मरते वक्त इसका हाथ हमारे हाथ में दे गया था। अब हम इसका सब कुछ है। ये वाच हमारी तरफ से रखो, ले लो ना। और अब जब तुम आओगे तो बात पक्की करने आओगे। इसने तुमको अपना जीवन साथी चुन लिया है। आखिर इन्होंने क्या देखा है मुझमें? हर चीज सोना नहीं होती, और कभी कभी बेकीमत चीज भी सोने से ज्यादा कीमती बन जाता है। गॉड ब्लेस यू माई सन। अच्छा मैं चलता हूं। फिर आओगे? हाँ, और इस खुशखबरी के साथ कि मेरी बहन की बात पक्की हो गई है। ओके। तो ये दोनों हैं उस लड़की के भाई? यस डैड। क्या करते हैं आप लोग? मेरा भाई हवाई जहाज उड़ाता है और मैं टैक्सी चलाता हूं सर। और मैं अनकरीब पायलट बनने वाला हूं। हम आपसे ये कहने आए हैं सर, दरअसल वो फैसल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिस मूर्ति का सहारा लेकर तुम खड़े हो उसकी कीमत 2.5 लाख रुपया है। ढाई लाख? और जिस चार दीवारी में तुम सांस ले रहे हो उस महल की कीमत 3 करोड़ रुपया है। और एक बात और सुन लो, दुनिया के 10 बड़े शहरों में मैंने अपने बेटे के लिए से 10 महल बनवा रखे हैं, और तुम झोंपड़ों में रहने वाले मामूली टैक्सी ड्राइवर अपनी बहन को मेरे बेटे से ब्याहने के रंगीन ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं, अगर आप अपने बेटे को बेचना ही चाहते हैं तो कीमत लगाइए इसकी। सेठ साहब बोलिए कितने में बेचेंगे अपने बेटे को हमारे हाथ? क्या बकवास कर रहे हो? बड़ों से ऐसी बातें करते हैं भला? अरे बड़े को भी तो समझाओ ना। खामोश हो जाओ। साहब मैं माफी चाहता हूं। साहब हम जो कुछ भी हैं आपके सामने हैं, हम आपके कदमों में अपना दिल रख सकते हैं, आपके एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हम अपनी बहन को वो शान और शौकत तो नहीं दे सकते साहब जो आपके पास है, हम मजबूर हैं। नहीं कर सकते तो मैं भी मजबूर हूं। मैं अपने बेटे को भिखारियों के घर नहीं ब्याह सकता हूं। अरे आप मुंह संभाल कर बात कर कंगले सेठ। भिखारी हो गए तुम, तुम्हारा बाप। आमोश। अरे भाई गुस्सा क्यों खा रहा है? अच्छा वो सेठ साहब ने
हमें हमारी औकात बता दी। इसकी अपनी क्या औकात है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इसकी तरह बेगैरत और जालिम नहीं है। चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं? मैं कहता हूं खामोश हो जा। चलो यहां से, झूठे रईस बने हुए चले। चल चल बाहर निकल। अरे और लंबू, बाहर निकलेगा ना ऐसे ऐसे बाल बनाता है, नो नोचे तो मेरा नाम भी जमशेद नहीं। अरे मैं कह रहा हूं बाहर निकल, चल बाहर। अहमद सही का जो मुंह में आता है बके जाता है। साहब बच्चा है, जज्बाती है, इसकी तरह से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन जाने से पहले इंसान की हैसियत को दौलत के तराजू में तोलने वाले एक शख्स को बता देना चाहता हूं कि अपनी बहन की खुशी के लिए मैं आपकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। अल्लाह हाफिज। बैठ इसे। भैया फिर क्या फैसला किया आपने? मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तुम अपना असल मकसद छोड़कर परदेश नहीं जा सकते। हम यहां नौकरी और मजदूरी करके उस बड़े आदमी का अपनी गुर्बत में मारे हुए थप्पड़ का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है जैसी तेरी मर्जी भाई, अब मैं तेरे जाने का बंदोबस्त करता हूं। भैया ये क्या है मेम साहब? अपने भाई को मनीला भेज दो। ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया, आप यकीन करें इतना कुछ तो मैं खुद भी कर सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए सब करना। शुक्रिया। मम्मी पता चला मैंने इसे अपना जीवन साथी क्यों मुंतखब किया है? हाँ कितना खुददार है ये, है ना मम्मी? हाँ बेटा। क्या 30,000? इसमें टिकट, वीजे की कीमत और एजेंट की फीस शामिल है, जो फिलिपाइन में तुम्हारे भाई को मुलाजमत दिलवाएगा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5,000 है, टैक्सी भी किस्तों पर है, जिसमें अभी तक मेरा कुछ 15,000 बनता होगा, सब मिलाकर सुने 20,000 हो जाएंगे, बाकी 10,000 मैं आपको दे दूंगा। ऐसे सौदे में उधार नहीं चलता भाई। ये टैक्सी की चाबी लीजिए, ये रहे 5,000 और ये मेरे भाई का पासपोर्ट। 10,000 में आपको टिकट लेते वक्त पहुंचा दूंगा। आखिर ये 10,000 रुपए आएंगे कहां? मैं आखिर ये सब कुछ आप लोगों को सोचने की जरूरत क्या है? क्योंकि 10,000 रुपयों के लिए उन डस्करों से मुक्के और लातें खानी पड़ेंगी, ठीक है ना? लेकिन इस मरतबा फाइट तुम नहीं मैं करूंगा। इस तरह के खतरनाक खेल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों भाई, खतरों से खेलना क्या सिर्फ तुमने अपने हिस्से में रखा है? हमें कुछ नहीं आता। इसलिए कि मैं तुझसे बड़ा हूं। बड़े होने का ये मतलब ही नहीं कि छोटों के लिए जिंदगी अपनी दांव पे लगा दो। कोई मनीला नहीं जाएगा, कोई फाइट नहीं करेगा, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी। पकड़ी आखिर ये सब कुछ तुझे सोचने की जरूरत क्या है? जमशेद अपना फर्ज पूरा करेगा और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। हजरत ये है पाकिस्तान के हैवी वेट बुलडोजर चैंपियन मिस्टर जावेद। हजरत और ये है चिंगारी के मशहूर किंग कॉन्ग मगरमच्छ तीसरे अबाबील। इसका फैसला तो मैदान करेगा। अगर आप लोगों ने कोई शर्तें लगानी है तो निकालिए पैसे। आप लोगों का काम है शर्तें लगाना,
और मेरा काम है रकम लेके तीर हो जाना। सीटी में जा रहा खड़े हो गया संगारे। नहीं कुछ भी नहीं, तुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे जमशेद भैया, अरे मुझे बताए बगैर ही जा रहे थे। अरे अच्छा किया तुम आ गए। जमशेद ये थोड़ा सा सामान है, प्लीज लेते जाइए, वहां एयरपोर्ट पर कोई डैडी का नाम लेकर आपसे ले जाएगा। मैंने अपने तौर पर तुम्हारे रहने और नौकरी का सारा बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ अफलातून। हाँ बोल रहा हूँ। आज की फ्लाइट से माल पहुंच रहा है, नाम है उसका जमशेद, हैंडसम लड़का है, उसना से बोलो मेरा हवाला देकर उसे साथ ले ले। लड़का काम का है, उससे फायदा उठाया जा सकता है। हाँ हाँ ठीक है। बाय। आदमी के सामने गाड़ी रोकी है तो यकीनन उसका नाम जमशेद है। जी मुझे हुस्ना कहते हैं। पाकिस्तान से कुछ सामान? जी
ये रहा सामान के साथ। आप भी आइए ना, हमें हिदायत मिली है कि आपका हर तरह से ख्याल रखा जाए। ऐसी हिदायत करने वाले वो हैं तो नहीं, बहरहाल यकीन कर लेता हूँ। प्लीज गाड़ी आप ड्राइव करेंगे। जी मैं आपको गाइड करूंगी। आप मनीला पहली बार आए हैं? जी मैं पाकिस्तान से पहली बार निकला हूँ। क्यों? इससे पहले पढ़ता रहा, फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी, फिर सब काम अधूरे छोड़कर काम की तलाश में चला आया। कैसा काम करना चाहेंगे आप? कोई भी ऐसा काम जो मैं दिन रात कर सकूं और बहुत जल्द इतना पैसा कमा लूं जो मैं सोच कर आया हूं। अब शायद आप अपनी मर्जी से सोच भी न सके। क्या मतलब? मतलब आपको मिस्टर अफलातून समझाएंगे। मनीला कैसे आना हुआ? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। काम तो तुम कर चुके, अब अगले काम के लिए कुछ वक्त लगेगा। मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूँ। ये क्या है? ये हैरन है जो दुनिया के लिए जहर है और हमारे लिए सर। लेकिन ये तो मुझे फैसल ने दिया था। फैसल और फैसल का बाप यही काम करते हैं और अब तुम भी यही काम करोगे। नहीं! इनकार करने की सूरत में हैरन स्मगल करने के जुर्म में तुम्हें फांसी हो जाएगी। यहाँ का कानून बहुत सख्त है और तुम्हारे स्मगलर होने का सबूत हमारे पास मौजूद है। देखना चाहते हो? ये रही वो तस्वीरें जिससे अदालत में ये साबित किया जाएगा कि तुम हेरोइन बेचते हो। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ नहीं, तुम्हें धोखा दिया गया है और अब इस धोखे की सजा से बचने की एक ही कीमत है, गुलामी, सिर्फ हमारी गुलामी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी सोच किस्मत से हार जाती है दोस्त। तुम उन लोगों की बात मानने से इनकार मत करना वरना तुम ना आजादी से जी सकोगे और ना अपनी मर्जी से मर सकोगे। अगर कोई सूरत नजर आई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यहाँ मेरा घर है, मैं ड्रेस चेंज करके तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक पहुंचाती हूँ। इस बिल्डिंग में तुम्हारा अपार्टमेंट है। ये दुनिया है जिसे तुम इस अपार्टमेंट से देख तो सकते हो लेकिन इसकी चालाकियों से बच नहीं सकते। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? नहीं ये बात नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगे हो। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मैं भी तुम्हारी तरह उनके जाल में फंसी हुई हूं। खैर फिर कभी तफसील से बताऊंगी। फिलहाल ये तुम्हारा अपार्टमेंट है, तुम यहां रह सकते हो लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो भाग नहीं सकोगे क्योंकि उनकी नजरें हर वक्त तुम पर रहेंगी। और यहां फोन भी नहीं है, जब तक उन पर तुम्हारा इत्तबार नहीं होता वो ऐसी सहूलतें तुम्हें नहीं देंगे। शानी मैं
एक बहुत बड़ी जेल का कैदी बन गया हूँ। परेशान हो गए तो जी नहीं सकोगे, सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, मुझे अपनी उस बहन की फिक्र है जो एक ऐसे लड़के के जाल में फंस चुकी है जो उसे धोखा दे रहा है। मुझे अपने बाप के रवैये पर बहुत अफसोस है नसरीन। नहीं फैसल, ऐसे नहीं कहते, माँ बाप की औलाद पर बहुत हकूक होते हैं। लेकिन उन्हें भी तो औलाद के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए ना। तुम्हारे डैडी ने जो कुछ किया, जो कुछ मांगा, ये उनका हक था। मेरे भाइयों ने जो कुछ किया, ये उनकी मजबूरी है। और मारो, बेशक उस वक्त तक मारते रहो जब तक वो ना जाए। वो कौन? आंटी डमडम? चिकबम 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 चिकबम। वो आ गई। डमडम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। किताब गिरा कर मुझे बात करने का मौका देना। हाय, इस अदा पे मर जाने को जी चाहता है डमडम। खटारा मेरे चांद, तेरी चांदनी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है। क्या फायदा, मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा हम दोनों के लिए अजाब है। लेकिन फिर भी जी चाहता है कि ये हाथ पकड़कर सारी दुनिया के सामने कह दूं कि ये बुजुर्ग हसीना मेरे साथ खराब है। छोड़ो भी जान, मेरी मोहब्बत को नीलाम करोगे क्या? अरे आम मुझे बदनाम करोगे क्या? अरे बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाय मार सुड़ी बंदी भाई है। अबे ओ कुत्ते की दुम, हमें प्यार और मोहब्बत की बातें करने दो। जाओ, तुम्हें तुम्हारी कुतिया साहिबा की कसम। नहीं मानता? जाओ पपी, तुम ही इसको अंग्रेजी में समझाओ। चलो अच्छा हुआ ये भी गए, अब हमारे रास्ते में कोई दीवार नहीं। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद मैं बिल्डिंग की छत पर आऊंगी। खटारा डियर। अरे मार सुटे खटारा डाले, ठीक है मैं छत पर आ रहा हूँ। काका। आगे की तेज माता मेरी दिगा दिगा। डार्लिंग, अभी तुमने अपनी माँ डम डम चिकमम चिकमम को देखा? मैंने भी तुम्हारी बात खटारों को भी देखा है। वो खटारा नहीं, नगारा है। वो दोनों अपने सोए हुए बुढ़ापे के इश्क पर हमारी जीती जागती जवानियों के प्यार को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। डिगा डिगो। अगर इन दोनों बुढ़ा और बुढ़िया ने शादी कर ली तो हम दोनों बहन भाई बन जाएंगे, और मुझे अपनी बहन बनने से बचा लो काका। डिगा डिगा, तू फिक्र न कर मेरी डिगा डिगा, तेरी माँ मेरी सास बनेगी और मेरा बाप तेरा ससुर। अब निकलना को खुजर पुसुर।
मगर ये होगा कैसे? वो दोनों तो अपनी शादी के मंसूबे बना रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दूंगा, वाश कर दूंगा उनको। ये हमारी मोहब्बत पर पानी फेंक कर चिकर किसने कर दिया? तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में कोई कुत्ता कुतिया नहीं है? अरे तुझे तो मैंने उस बूढ़ा बुढ़िया के इश्क में भोंकने के लिए भेजा था, हमारी इश्क में क्यों रखने डाल रहा है? काका ये क्या कह रहे हैं? काका ये कह रहा है कि उन दोनों ने अपना लव स्पॉट बदल लिया है, वो छत पर चले गए हैं। हाय हाय, एक ही हुआ है। ओ छोड़ो काका, कोई देख लेगा। ओ प्लीज प्लीज। मैं तो पहले ही कहता था कि मेरी डार्लिंग बहुत जल्द आएगी। अबे क्या बक रहा है? अरे जो भी निकल आया पढ़ो तो। मेरा नाम जमशेद है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान से आया हूँ? हाँ। पर अपनी जूती दिखा रहे? जूतों की मर्जी बता रही है कि तुम वाकई पाकिस्तान से आए हो। एनी सर्विस फॉर मी? मुझे पाकिस्तान में रुस्तम साहब मिले थे, आपका पता दिया था। रुस्तम? वो शैतान रुस्तम? लोग तो बड़े लड़ाकर, बुरे लड़ाकर, कुत्ते लड़ाकर रोजी कमाते हैं, लेकिन वो शैतान का बच्चा रुस्तम इंसानों को लड़ाकर ताज जाल कमाता है। मेहनत करते हो, थकते ही नहीं। जिस दिन थक गया साहब, उस दिन मर जाऊंगा। शाबाश, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। दुरानी साहब, भाई का फोन आया। यार तुमने देर कर दी, तुम्हारे भाई का तीन मरतबा फोन आ चुका था। खैरियत से तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फोन पर तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता था। अब वो फिर कल फोन करेगा, 6 बजे इंतजार करने को कह रहा था। अच्छा, पता नहीं क्या बात है। अरे ये सो तो है, क्या जरूरी बात करनी थी? तुम अभी तक परेशान हो? हाँ। क्या परेशानी है तुम्हें? अगर मेरा पासपोर्ट अफलातून के कब्जे में ना होता तो मैं एक मर्तबा भागने की कोशिश जरूर करता। तुम उनकी मर्जी के बिना जिधर जाओगे वो इंटरपोल और पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा देंगे, इसलिए कि पुलिस और इंटरपोल उनके साथ है। अगर पुलिस मुझ तक पहुंचेगी तो वो भी नहीं बच सकेंगे। सब कुछ बता दूंगा पुलिस को। जो बताओगे उसका सबूत है तुम्हारे पास? मैं भी तुम्हारी तरह सोचा करती थी, फिर सोचना छोड़ दिया और अब फिर सोचना शुरू कर दिया है। क्या? मैं जब से तुमको मिली हूं अपने आप को नहीं मिल सकी। अगर जुबान पे यकीन ना आए तो आंखों से पढ़ लेना। क्या मतलब? शायद इस तरह एक दूसरे को पाकर हम दोनों इस घुटन में जी लें। तुम्हारा मतलब है समझौता कर लूं इस कैद से? फिलहाल और कोई चारा भी नहीं है। आओ अब चले, अफलातून तुमसे मिलना चाहता है। किस लिए? हम तुम्हें बैंकॉक भेजना चाहते हैं, ये तुम्हारी आजमाइश होगी। मुझे करना क्या होगा?
जिस तरह तुम पाकिस्तान से माल लेकर यहां आए हो, अब कुछ माल लेकर तुम्हें बैंकॉक जाना होगा और वहां से कुछ लेकर वापस आना है। हुस्ना तुम्हारे साथ जाएगी। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। थैंक यू। नादान हो तुम, भूल जाते हो कि हमारे ये हाथ तुम्हारी इन भागने वाली टांगों से ज्यादा लंबे हैं। अब यहां अगर तुम्हारी जमानत की जगह मैं तुम्हें स्मगलर साबित कर देता तो इधर तुम्हें जेल ही ना जाना पड़ता, बल्कि पाकिस्तान में तुम्हारा इंतजार करने वाले भी मर जाते। ठंडा रखो अपने आप को, समझौता कर लो हालात से। अच्छा यही है, हमारी नजर से डरो। हुस्ना ले जाओ इसे, शाम को अपार्टमेंट से ले लेना, दूसरी फ्लाइट 7 बजे की है। बुढ़े बुढ़ी की आपस में शादी हो गई तो हम दोनों बहन भाई बन जाएंगे। मुझे अपनी बहन बनने से बचा लो काका। तू फिक्र न कर मेरी दीगा दीगा, तेरी माँ मेरी सास बनेगी और मेरा बाप तेरा ससुर बनेगा और हम दोनों बहन भाई नहीं मियाँ बीवी बनेंगे। मगर ये सब होगा कैसे, वो दोनों तो शादी करने पर तुले हुए हैं। हम उनके दरमियान ऐसी सी सप्लाई दीवार बनेंगे कि उनके प्यार का लोटा हमसे टकरा कर चकना चूर हो जाएगा। मेरी दिखा दिखा पटाखा, तुम दुल्हन बनकर तैयार रहना। मैं आज ही 4 बजे मौलवी साहब को बुलाता हूँ और तुम्हारा निकाह पढ़वाता हूँ। डार्लिंग 89, मैं तो छत की सीढ़ियों पर तुम्हारा इंतजार करते करते किसी और नालायक को जप्फी डाल आया हूँ। मेरा मतलब है कि तुमने तो सीढ़ियों से आना था, तुम किधर से आ गई हो? पता है, मैं समाज की नजरों से छुपते छुपाते पाइप के जरिए चढ़कर छत पर तुमसे मिलने आई हूँ। पाइप के जरिए हमसे मिलने आई हो? हाय 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 मार यही। इस नाबालिग बकरे को जाने दो, उसके बाद मैं तुमसे तन्हाई में प्यार की ऐसी ऐसी खट्टी मीठी बातें करूंगा जो तुम सुनकर चकाचुल हो जाओगी। खबरदार चकना मारी। चले भी आओ मौलवी साहब,
कि शादी का कारोबार चले। शहजादी, आज मैं ऐसा मजबूत माल भी लेकर आया हूं जो हम दोनों को हमेशा के लिए जकड़ के बांध के रख देगा। मालवी साहब, निकाह पढ़ाओ। खबरदार, आज निकाह हमारा होगा। और पोषण का निकाह हो गया तो यंग पोषण कहां जाएगा? नहीं, निकाह सबसे पहले यंग पोषण का होगा। नहीं, आज निकाह ओल्ड पोर्शन का होगा। मालवी साहब, निकाह शुरू किया जाए। अगर तुम जैसे पुराने रेड़ों की शादी हो गई तो हम दोनों बहन भाई बन जाएंगे और ये नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम दोनों का शादी हो गई तो हम दोनों बहन भाई बन जाएंगे। ये कुचला खा के मर जाएगी और मैं किसी छप्पड़ में डूब कर मर जाऊंगा, फिर क्या करोगे? मैं लुटिया पाऊंगा। मैं जश्न मना, मुझे तुम जैसे बेलचे के मुंह वाले सेक्सी बाप की जरूरत नहीं जो बेटे के रास्ते में रोड़े अटकाए, कांटे बिछाए, जहां से बेटा गुजरे उसे चिकर करे। ना, शादी हमारी होगी तो फिर हमें भी ऐसी औलाद की जरूरत नहीं जो हमारी मोहब्बत के शीशे की दीवार पर चरीते डाले। पुत्र तक पिस्तौल कट के तू चंगा नहीं हो सकता। और ये भी सुनो, दिल में है तुम पर वार करना बुजदली है। अभी ना फोड़ना। और खुशकी तई सजा दिए बापू, अब मेरे खंजर के कचा कच से बचो। नौजवान नौजवान, भोज करो, उन लेडी से परहेज करो। कितने दिन तक? फिलहाल अगरचे शरीयत की रूह से दोनों फरकीर का निकाह नाजायज नहीं है, लेकिन इखलाकी नुक्ता नजर से नौजवानों को शादी का मौका और हक देकर तुम जैसे बूढ़ों को कुर्बानी की मिसाल कायम करनी। मौलवी साहब, मौलवी साहब, माफ करना जी। ठीक, हेलो मौलवी साहब, तुझे रक्षा कराए रहो, तो जाओ। ठीक है, मजा नहीं आ। मौलवी साहब, आपने ऐसी सुरीली बातें करके हमारी मोहब्बत की दास्तान को खत्म कर दिया है। हम अपनी मोहब्बत का सिंगल डाउन करते हैं। इजाजत है मौलवी साहब, आप इन लोगों का निकाह पढ़ाइए। और दूसरी बात सुनिए, आज के बाद ये मेरी माँ शोक नहीं, मेरी बहन है। भैया, बाजी, बापू, मैं भी जज्बाती हो गया हूँ। अगर तुमने इनको अपनी बहन बना लिया है तो मैं भी आज से इसको रख जाओ। अच्छा किया मौलवी साहब, वरना जज्बात के समंदर में बहकर मैं भी उसको बहन ही कहने लगा था। Open it. Okay, you can go. Mr. Jamshed?
ठीक है। एक मिनट, मुझे अफलातून ने कुछ और भी कहा था, माल दो और माल लो। अफलातून इडियट है, पहली बार हमसे बिजनेस कर रहा है, नहीं जानता कि हम माल लेते हैं देते नहीं। अफलातून ने पहली बार बिजनेस किया है और मैं भी पहली बार बिजनेस करने निकला हूं। माल मैं लेकर ही जाऊंगा और इन पिस्तौलों के साए में लेकर जाऊंगा। निकालो, माल कहाँ है? ओके। देखो मिस्टर, अब जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर दुश्मन बनकर सामने आए
पाकिस्तान फोन करना चाहता हूँ। होटल से कर लेना फोन। नहीं, मेरा ख्याल है होटल का फोन जरूर टेप होता होगा। कोई ऐसी बात करनी है? हाँ, मैं नहीं चाहता कि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो उन स्मगलर्स के कानों तक पहुंचे जो मिस्टर अफलातून के कारिंदे हैं, और मुझे यकीन है कि वो इस वक्त भी साय की तरह हमारा पीछा कर रहे होंगे। हेलो जमशेद। हेलो हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। तू ठीक तो है ना? खैरियत से पहुंच गया था? हाँ भैया। माँ तुझे हर वक्त याद करती है, बहुत पूछती है, और नसरीन ना कुछ खाती है ना पीती है, हर वक्त तुझे याद करती रहती है, और मैं तुझे बिल्कुल याद नहीं करता। बड़ा जो ना समझता हूं कि तू सैर सपाटे को तो गया नहीं। अरे मैं अपनी ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो बोल जमशेद। अरे पहले अपने आंसू पोछ भैया। एक तो पता नहीं तुझे कैसे पता चल जाता है कि मेरी आंखों में आंसू है, और ये कमबख्त रुकती भी तो नहीं है ना। पोछ लिए, अब बोल। नौकरी तो मिल गई है भैया, लेकिन अब शायद हमें इतने पैसे की जरूरत ना पड़े। क्या मतलब? मतलब अभी समझाने का वक्त नहीं है भैया, तुम बस फैसल और उसके बाप से होशियार रहना, वो अच्छे लोग नहीं है। क्या कह रहा है तू? बस तू नसरीन को फैसल से ना मिलने देना, वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा लड़का नहीं? हेलो 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 हेलो। लाइन कट गई है। हेलो बैठो, शायद दोबारा फोन आ जाए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन उसने ये क्यों कहा? फैसल अच्छा लड़का नहीं, और नसरीन को से मिलने नहीं देना। आइए तशरीफ लाइए। कितना खूबसूरत घर है। यकीन करें आपके आने से और भी खूबसूरत होगी। आइए। दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? ये सवाल मुझसे मत पूछो, इसका जवाब किसी को नहीं मिलता। अरे जाने मन ये नहीं पूछते। वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आज ही मनीला पहुंचना है। Thank you.
हेलो, क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके? आपको काम नहीं जानता, प्लीज मीट माई डैड। अरे डैड, इनसे मिलिए, हमारे मुल्क की नामवर फनकार, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर एंड डांसर। ओह, ग्रेट टू मीट यू। सेम हियर। आप भी मनीला जा रही हैं? जी हाँ। माई सन, मेरा बेटा, मनीला में इसकी सालगिरह है, अगर आप उसमें शिरकत करके अपने फन का मुजाहरा करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं, मनीला जैसे शहर में अपने हमवतनों के जश्न में शिरकत करके मुझे बेइंतहा खुशी होगी। थैंक यू, थैंक यू। ओके देन, सी यू लेटर। कम ऑन डैड। वेलकम, वेलकम। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बात क्या है अफलातून, ये अचानक क्यों बुलाया गया? इमरजेंसी है। क्या? कोहिनूर का खास कारिंदा आ रहा है, उसने कहा है कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन वो होगा। कोहिनूर को हमसे मशवरा तो कर लेना चाहिए था। कोहिनूर हमें मशवरा देने का मजाज है, हमसे मशवरा लेने का नहीं। हमें अपना पार्टनर उसने बनाया, हमने नहीं। हमें उसकी बात मानना ही पड़ेगी ब्लूबर्ड। फिर भी ऐसा कौन है जिसे कोहिनूर हमसे ऊपर समझता है? दुश्मनों की जान का दुश्मन। दुश्मन? अरे आप क्यों परेशान होते हैं, आपके तो हम दोस्त हैं, जान है। कमान, कमान। वो जान नहीं है, रहमान है ब्लूबर्ड। अगर रहमान होता तो वो हमें दोस्त न कहता, हमसे बदला लेता। वो रहमान नहीं है। अगर वो रहमान है तब भी, अगर नहीं है तब भी, हमें उसकी मौत बनना है डैड। इसलिए कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कोई और नहीं हो सकता। तुमने ठीक सोचा है फैसल, तुम्हारी सालगिरह का जश्न उसकी मौत का जश्न बनना चाहिए। उसके लिए मैं जीऊँ।
घबराने की कोई बात नहीं, ये अपने ही आदमी थे। नहीं मिस्टर जॉन, ये दुश्मन थे। दोस्तों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता मिस्टर ब्लूबर्ड। मैं समझा नहीं। अभी समझाए देते हैं। इसलिए क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कोई और नहीं हो सकता? तुमने ठीक पूछा फैसल, तुम्हारी सालगिरह का जश्न उसकी मौत का जश्न बनना चाहिए। ये रहमान कौन था और तुम किस चीज के बदले का जिक्र कर रहे थे? जॉनसन, हमें गलतफहमी हुई है, वी आर सॉरी। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, ये रहमान कौन है? हमारा एक दुश्मन था, और आप तो जानते हैं जब दो दुश्मन सामने आते हैं तो किसी एक की मौत जरूर होती है, इसलिए हमने भी कोशिश की। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो तब भी और झूठ बोल रहे हो तब भी, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, इसलिए कि तुम सब दोस्त बनकर मुझे मिले हो और मैं दोस्तों को कम अज कम एक बार माफ कर देता हूं, सिर्फ एक बार। मिस्टर फैसल, मिस अंबर आपको बुला रही हैं। मैं यहां पर एक पाकिस्तानी की इज्जत बढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग पाकिस्तान के नाम पर एक धब्बा है। मुझे यहां आकर बहुत दुख हुआ है। गुड बाय। जाने दो, ये अभी यही है और इसको जवाब देने के लिए काफी वक्त है। मैं किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं कि वो जान है, रहमान नहीं। वो रहमान ही है और अपनी यादाश्त खो बैठा है। अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, किसी वक्त भी उसकी यादाश्त वापस आ सकती है और वो हमारे लिए। ये गाड़ी क्यों रोकी? आप समझ लो मेरी यादाश्त वापस आ गई है, अब मुझे क्या करना है? वाह भाई वाह, आप तो वाकई सुपरमैन हैं। जिस जगह चाहते हैं, जिस शक्ल में चाहते हैं पहुंच जाते हैं। बात मत बदलो, मुझे बताओ रहमान की क्या हैसियत है? हमने आपको बताया था ना कि वो हमारे एक दुश्मन था। दुश्मन था? अब कहां है? हमने उसे मार डाला था। जिसे तुमने मुर्दा समझकर फेंक दिया था, हो सकता है वो जिंदा हो, इसलिए कि कोहनूर को जख्मी हालत में मैं मिला था। अगर मैं रहमान ही हूं और तुम मेरे दुश्मन हो तो यकीनन जानते हो कि मेरा कोई और है इस दुनिया में। नहीं, तब भी कोई नहीं था और अब भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई तो होगा मेरा इस दुनिया में। तुम यहां? बाप के कारोबार पर बेटे ही काक होता है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इस कदर घटिया और धोखेबाज हो। अदब से बात करो। तुम हमारे गुलाम हो और तुम्हारी गुलामी की ये जंजीरें अब तुम्हारी मौत के पास ही टूट सकती हैं। इसे यहां देखकर
मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है उसना, कम से कम मेरी बहन इस शैतान से दूर और बची हुई तो है। कयामत आ गई मेरे घर में। क्या हुआ? वो लड़का जिससे मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता था, वो उसे बर्बाद करके यहाँ चला आया है। मैं उसकी तलाश में आया हूँ, उसके पीछे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो आज ही पाकिस्तान जा रही थी। तुम जाओ, मैं उसको ढूंढे बगैर और फैसला किए बगैर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ ही पाकिस्तान जाऊंगी। आओ मेरे साथ। वो यहां तक आ गया है तो आगे उसे मौत की वादियों तक हम पहुंचाएंगे। उसने अपने भाई जमशेद के मुतालिक तो नहीं पूछा? नहीं डैड, वो सिर्फ अपनी बहन का इंतकाम बनकर आया है। ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाता जमशेद को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि उसका भाई मनीला आ गया है। कारिंदों से कहो कि जमशेद को अपार्टमेंट से बाहर न जाने दे। तुम अपना दस्ता लेकर जाओ और आने वाली भाई की मौत बन जाओ। जमशेद, क्या कह रही हो उसना? तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में है और यहां पहुंच चुका है। वो लोग उसे मारना चाहते हैं और तुम्हें इस अपार्टमेंट में बंद रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल चलो और अपने भाई को बचा लो। शायद ऐसी कोई जगह थी जहां मैं आई थी। Okay.
जावेद को हर कीमत पर तलाश करना है और उसे खत्म कर देना है। क्यों आए हो? तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। फैसल और उसका बाप तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं तो खुद उनकी मौत बनकर आया हूं यहां। नहीं ब्रदर, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। तुम वापस चले जाओ। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, अगर तुम देख लेते तो मुझे जाने का हरगिज ना कहते। फैसल हमारी इज्जत का कातिल है। उसने हमारी बहन को बर्बाद कर दिया। नहीं, 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 नहीं। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। नहीं जमशेद, ऐसे नहीं। तुम्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। दुश्मन बहुत से आता है और तुम सिर्फ दो हो। हुस्ना ने बिल्कुल ठीक कहा। रुस्तम, तुम क्या तुम लगा रखी है? मैं रुस्तम नहीं हूँ, रुस्तम का चचा हूँ और मैं इनका बेटा हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे कि दुश्मन को ताकत से नहीं तरकीब से मारना होगा। आपने हमें बुलाया? हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज मैंने ले लिया है। तुम हांगकांग के लिए रवाना हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे दिमाग में एक उलझन है। उलझन तुम्हें दूर करके जाना है। क्या? मैं रहमान हूं या नहीं, और अगर रहमान हूं भी तो जब तुमने मुझे मारकर फेंका था तो उस वक्त मैं क्या था? आप यही थे और यही काम करते थे। झूठ बोलते हो तुम। यह काम मुझे कोहिनूर ने सिखाया है। मैं तो इतना भी नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है। यह आखिरी वार्निंग है, वरना हांगकांग पहुंचने से पहले ही फना कर दिए जाओगे। कोहिनूर हियर। कोहिनूर साहब, आप आ ही जाएं तो अच्छा है। मामला कुछ ऐसा है कि फोन पर तफसील से बात नहीं हो सकती। मेरा आना ऐसा भी क्या जरूरी है? जरूरी है सर, आप फौरन आ जाएं और नए साल का जश्न भी हमारे ही साथ मनाएं। यकीनन वो आदमी है जो अकबर खान का दोस्त था और जिसे हम पाकिस्तान से साथ लाए थे। उसका नाम रहमान है
हमने उसे मारकर गाड़ी समेत फेंक दिया था, जो बाद में शायद बचकर आपको मिला और आपने उसे जान का नाम दे दिया। हालात और वाकयात तो उसे जान ही साबित करते हैं, लेकिन अगर वो रहमान है तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहाँ है वो? हमने उसे आपकी आमद से बेखबर रखा है। इस वक्त तो एनी लॉ में नई पार्टी से सौदा कर रहा है। जब वो वापिस आएगा तो आपसे उसकी मुलाकात नए साल के जश्न में होगी। कदरदान, जिंदगी या तूफान होती या मर्दान, मेरी जान, मेरा नाम है उस्ताद छोटे खां। मैंने रंग और सरूर की महफिल को गर्म करने के लिए एक टीम पैदा की है, उसको तैयार किया है, लिहाजा मैं आज आपके जश्न को दोबारा करने के लिए रंग और सरूर और रक्स पेश करता हूँ, और रक्स का नाम है मधुबाला। तो लिहाजा इजाजत है? इजाजत है। ठीक है। मेरी जुगनी पाकिस्तानी है, शाम बड़ी मस्तानी है, मेरी जुगनी पाकिस्तानी, सोनी धरती दी दीवानी है, चन मेरे आहो जुगनी, चन मेरे आहो जुगनी, कहंदी तेरी नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, लेंदी चन मेरे आहो जुगनी कहंदी। जीवे जीवे दीवानी पंज तन दिए, ए कमली सोने यार दिए, उस यार दिए दिलदार दिए, उस दो जग दे सरदार दिए, चन मेरे आजुगनी, चन मेरे आजुगनी कहंदी ए, छड़ी नाम अलीता, अलीता नाम अलीता, अलीता नाम अलीता, लेंदी ए चन मेरे आजुगनी कहंदी ए। दिलबर भी दिलदार दिया, यारां दे सच्चे यार दिया, असी दिलबर भी दिलदार दिया, यारां दे सच्चे यार दिया, दुश्मन बेले तलवार दिया, चन मेरे आहो जुगनी, चन मेरे आहो जुगनी कहंदी ए, जेड़ी नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, अली दा नाम अली दा, लैंदी ए चन मेरे आहो जुगनी कहंदी ए।
जचदा यार बिना जद इश्क हडा विच रचदा आशकां दा लोकी सच कहंदे सिर लथियां तड़ नचदा यार दा डेरा मस्त अलस में रहना अपनी अग विच सड़ना बलना किते तो मैं की लेना मेरी जुगनी दा तागा काला है मेरा मुर्शद कमली वाला है दीदारी सुबह सब तो आला है चन मेरे आ जुगनी मेरे आ जुगनी कहंदी है चढ़ी नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा अलीदा नाम अलीदा लेंदी है चन मेरे आ जुगनी कहंदी है ए शाम बड़ी मस्तानी है मेरी जुगनी पाकिस्तानी है बड़ी मस्तानी है मेरी जुगनी पाकिस्तानी सोनी भर दी दी दीवानी है चन मेरे आओ जुगनी चन मेरे आओ जुगनी कहती है बंद करो ये जुगनी फुगनी लुड्डी गुड्डी गाना सुनाना है तो कोई इंग्लिश गाना सुनाओ लाइक डिस्को अबे ओ तेरी खचरों के मानसिये और फीमेल तुम लाख हमारी सवालों पर ताले लगाओ लेकिन एक आखिरी गाना हम जरूर सुना कर रहेंगे कौन सा गाना जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे के बेटे हैं बॉस रहमान जानता ही नहीं उसके बेटे हैं नहीं अभी उसे कुछ पता नहीं ये क्या कर रहे हो बकरियों के साथ शेर को बांध रहे हो सॉरी कर्नल साहब सॉरी मैं अगर होता तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपके सामने ये तूफान बदतमीजी हरगिज ना होता कौन है ये गुस्ताख लोग इससे क्या पूछते हो बाबा हमसे पूछो हम तुम्हारे बेटे ये जेदू है जावेद और मैं जब शेर हूं मुन्ना तुम्हारा मुन्ना कौन मुन्ना कौन जेदू मैं किसी मुन्ने मुन्ने को जेदू शेदू को नहीं जानता जान भी कैसे सकते हैं ये गद्दार गाली झूठी कहानी बनाकर ये जानते हैं कि तुम अपनी आदर्श खो बैठे हो तुम्हारी उस कमजोरी अपनी चालाकी से एक बार फिर बाजी का रुख पलटना चाहते हैं गोली चला दो चलन इन गद्दारों के सीने में गोली मार दो बेशक हमें गोली मार दो हमें मौत से गुल खासे लेकिन इस बात का यकीन करो बाबा कि हम तुम्हारे बेटे हैं तुम्हारा खून है
पाकिस्तान में मां बेटी तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हारी बेटी नसरीन रो रो के तुम्हें याद करती है बाबा, रो रो के याद करती है। मुझे गोली मारो बाबा, जबे को गोली मारो बाबा। लेकिन इतना बता दो कि तुमने सीने में दिल की जगह पत्ता रख लिया है या बाप ने तुमको हमारी पहचान भुला दी है। बड़े जाबाज बनते हो तुम, और एक जैसे शख्स पे गोली चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिसके हाथ बंधे हुए हैं? अरे बंधे हुए शेर का शिकार तो गीदड़ भी कर लेते हैं, अगर अपने बाजुओं को आजमाना है तो मेरे हाथ खोल कर आजमा जान। शाबाश शाबाश, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे लगे तुम हमें। हमें तो वो सांप भी पसंद है जो जब डसता है तो सर उठाकर तो डसता है। लगता है किसी बहादुर बाप के बेटे हो। खोल दो उसके हाथ। हम जीते, और अगर बेटा मर गया तो भी जीत हमारी है। जालिम और समदिल नहीं हो सकता। Thank you.
मेरे बच्चे जीतो और मार, और मार मुझे। तेरे दिलों में भी वही ताकत है जो मेरी ताकत है। अरे और मार, और मार, और मार। आज इन सालों को सफेद हस्ती से मिटा देंगे।